नमस्ते, आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दीपक केळकर, मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में हमारे हॉस्पिटल से अकोला में, नागपुर, पुणे, बॉम्बे और वहाँ मनोरुग्ण का इलाज करते हैं। हम ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं लोगों को और पूरे दुनिया भर से लोग हमें फ़ोन करके पूछ रहे थे उनके प्रॉब्लम्स के लिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ डेल्यूजन ऑफ पैरासाइटोसिस के बारे में। इसमें होता क्या है कि आदमी को, मतलब वो व्यक्ति को ऐसा आभास होता है कि उसके चमड़ी के नीचे कोई कीड़े मकोड़े चल रहे या घूम रहे, और उसका वो पक्का विश्वास होता है कि वो वैसा ही है, और वो ऐसा निकाल के बता सकता है कि देखो देखो ये ऐसा है करके, ऐसा कुछ तो भी निकालता है। फिर जब देखा तो वो कीड़े रहते नहीं, हम बोलते कि भाई कीड़े तो नहीं है, नहीं बोले मरा हुआ कीड़ा है, कुछ तो भी है वो, या फिर उसको लगता है कि कोई भूसा निकल रहा है चमड़ी में से। एक्चुअली कुछ रहता है वो धूल मिट्टी, कुछ चमड़ी के ऊपर जो बैठी रहती वो, या कोई चमड़ी को ऐसा निकाल दिया तो जो भी कुछ थोड़ा सा निकलेगा है ना, तो वो भी ऐसा लगता है कि भाई कोई बाल निकल गया या ऐसा कुछ, तो वो ऐसा कुछ तो भी दिखता है, उसको लगता है कि यही कीड़ा है। तो ये जो लोग है, ये बीमारी जो है ये कहाँ से होती है? एक तो ये एम्फेटामिन जो दवाई है वो खाने के बाद में, या कोकेन खाने के बाद में होती है। फिर कोई बीमारियों में ये बीमारी होती है, लाइक पेलाग्रा की बीमारी है, पेलाग्रा, फिर विटामिन B12 डिफिशेंसी, या फिर किडनी डिसीज़, या फिर ब्रेन में ब्लड का सप्लाई नहीं होना उसमें। तो ऐसे कई बीमारियां कि जिसमें ऐसी बीमारी होती है कि जिसमें उसको लगता है कि भाई मेरे चमड़ी के नीचे कीड़े चल रहे हैं। ये लोग सनकी होते हैं, अक्सर अकेला रहना पसंद करते हैं और ये लोगों का मानते ही नहीं। अच्छा, वो इतना लोगों को कन्विंस कर देता है कि उसके पत्नी को या पति को या पूरे फैमिली में भी ऐसा लोगों को लगने लगता है कि भाई ऐसा ही है करके, और उनको भी शायद बीमारी फिर चालू हो जाती है। ये बार बार चमड़ी साफ़ करेंगे, बार बार अपना वातावरण जो है उसको साफ सफाई करेंगे ताकि वो कीड़े मर जाएंगे या कीड़े आएंगे नहीं। इसमें पीमोसाइड नाम की जो दवाई है वो काम करती है, वो नहीं काम किया तो एमिसल्प्राइड हम वापरते हैं। उसके साथ साथ कभी क्लोमिप्राइमिन नाम की दवा देते हैं ताकि दवाई से उसका जो फिक्स्ड बिलीफ है, विश्वास जो है कि नहीं चमड़ी के नीचे कीड़े चल रहे हैं, वो उसका ठीक होने लगता है, धीरे बोलता है कि नहीं अभी कीड़े मर गए। तो इस तरह का जो डिल्यूजन है, मतलब ऐसा आभास होना चमड़ी के नीचे कुछ तो भी है, भूसा निकल रहा है या कीड़े निकल रहे हैं, तो ये हम तो उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं कि नहीं नहीं ऐसे ही चलो कुछ तो भी। ये कभी कभी इसमें अल्कोहल विड्रॉल में भी दिखता है, जब अल्कोहल बंद कर दे सडनली उसमें भी दिखाई दे सकता है उसको कि कुछ तो भी है नीचे आ रहा है, वो पकड़ेगा मारेगा, ऐसा कुछ तो भी हो जाता है वो अल्कोहल विड्रॉल में। या फिर डिमेंशिया में भी दिखाई देता है, अल्जाइमर्स डिमेंशिया में भी दिखाई देता है, या कोई डिमेंशिया की बीमारी जो है उसमें भी दिखाई देता है, जहाँ फॉरगेटफुलनेस होता है दिमाग में। तो लोगों को आप ये शेयर करेंगे तो लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी कि इसकी दवाई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये आपके फेसबुक के ग्रुप के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ये शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूम हो जाएगा और वो अच्छे हो सकते हैं इसमें, उनकी बीमारी अच्छी हो सकती है। हमारा जो मकसद है वो है मेंटल हेल्थ फॉर एवरीवन, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। बेल आइकॉन जो आता है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहली बार आ जाएंगे। आप सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में जानकारी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।